हेलो फ्रेंड्स, सर आज की हमारी जर्नी है परभनी जंक्शन से तो हजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको स्टूडियो के माध्यम से पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। परभनी जंक्शन से तो हजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो फाइनली हमारी ट्रेन परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो चुकी है। और जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं वो ट्रेन है पूना से हजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस, जो कि डेली रन करती है पूना से हजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन पिंगली रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। परभनी जंक्शन से तो पिंगली रेलवे स्टेशन के दरमियान में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और मिर्किल से तो परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रायल दिया गया है और वो ट्रायल जो तो सक्सेसफुल भी रहा है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन मिर्किल रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। आप लोगों को पता है पिंगली से तो मिर्किल रेलवे स्टेशन के दरमियान में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रायल लिया गया है मिर्किल से तो परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में। इस जर्नी में हमारे लिए मिर्किल से तो पूर्णा जंक्शन और पूर्णा जंक्शन से तो हजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन की जर्नी ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसीलिए मैं परभनी से तो पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में पिंगली और मिर्किल रेलवे स्टेशन को भी कवर कर रहा हूँ। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है नांदेड़ DRM की ट्रेन के साथ में। आप लोग देख सकते हैं सामने से नांदेड़ DRM की ट्रेन आ रही है। मिर्किल रेलवे स्टेशन के पूर्णा आउटर के साइड में आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक जो है तो वायरिंग वाली ट्रेन यहां पर खड़ी थी, आप लोगों को नज़र आएंगी यहां पर, आप लोग देख सकते हैं ये रही वायरिंग वाली ट्रेन। और बहुत जल्द जो है तो मिर्किल से तो पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में वायरिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारी ट्रेन मिर्किल और पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं तकरीबन जो है तो यहाँ तक वायरिंग वगैरह लगा दी गई है और वायरिंग को यहाँ पर लाकर सेट कर दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है तो वायरिंग को एंड कर दिया गया है, इसके आगे आप लोगों को वायरिंग का काम नज़र नहीं आएगा मिर्किल और पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में।
मिर्किल और पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में तकरीबन पोल्स लगा दिए गए हैं और पोल्स को लगाकर सेट कर दिया गया है और पोल्स के ऊपर हुक को भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक वायरिंग लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर होने वाली है और जिस वक्त हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर हो रही थी, उस वक्त हमने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और पीट लाइन के साइड में तकरीबन जो है तो यहाँ पर वायरिंग वगैरह लगा दी गई है और वायरिंग को लगाकर सेट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन में। फाइनली हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर हो चुकी है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की एंट्री हो चुकी है पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। हमने इस ट्रेन में भी जर्नी की है जालना से हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के दरमियान में। आप एक मरतबा मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आप लोग इसकी जो है तो वीडियो नज़र आएंगी। और इस ट्रेन में हमने भोपाल से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान में भी जर्नी की है। ये ट्रेन जो है तो वीकली ट्रेन है और ये ट्रेन जो है तो ट्यूज़डे के दिन रन करती है हजूर साहेब नांदेड़ से हज़रत निज़ामुद्दीन के दरमियान में। 22 मिनट लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो चुकी है। और आप लोगों को पता है पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन में भी काफ़ी टाइम से जो है तो वायरिंग वगैरह लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया गया था, लेकिन 15 या 20 दिन पहले से ही जो है तो यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन के वायरिंग का पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन में। इस वक्त हमारी ट्रेन पूर्णा और चुड़ावा रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है। चुड़ावा और पूर्णा रेलवे स्टेशन के दरमियान में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वायरिंग को यहाँ तक लगा दिया गया है और इसके आगे जो है तो वायरिंग वगैरह लगाने का काम आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन तकरीबन यहाँ पर पोल्स लगा दिए गए हैं और पोल्स को लगाकर शिफ्ट कर दिया गया है चुड़ावा और पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान में। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है हजूर साहेब नांदेड़ से अमृतसर जंक्शन के दरमियान में चलने वाली सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ में। इस वक्त हमारी ट्रेन चुड़ावा रेलवे स्टेशन को स्कीप कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चुड़ावा रेलवे स्टेशन में तकरीबन पोल्स लगा दिए गए हैं और पोल्स को लगाकर सेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक चुड़ावा रेलवे स्टेशन में वायरिंग लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। Thank you.
इस वक्त हमारी ट्रेन चुड़ावा और लिमगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है। चुड़ावा और लिमगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में 100% पोल्स लगा दिए गए हैं और पोल्स को लगाकर सेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पोल्स के ऊपर हुक को नहीं लगाया गया है जिसके ऊपर वायरिंग वगैरह लगाई जाती है चुड़ावा और लिमगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन लिमगांव रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है लूप लाइन के अंदर से। मेन लाइन के अंदर मालगाड़ी खड़ी होने की वजह से हमारी ट्रेन को लूप लाइन की तरफ से जो है तो स्किप करने की परमिशन दे दी गई है। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिमगांव रेलवे स्टेशन में भी तकरीबन पोल्स लगा दिए गए हैं और बहुत सारे पोल्स के ऊपर जो है तो हुक को भी लगा दिया गया है जिसके ऊपर वायरिंग लगाई जाती है, लेकिन अभी तक यहां पर वायरिंग लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया गया है लिमगांव रेलवे स्टेशन में। आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस वक्त हमारी ट्रेन लिमगांव और वनेगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं वायरिंग लगाने का काम यहां पर भी तो स्टार्ट कर दिया गया है लिमगांव और वनेगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में, लेकिन यहां पर जो तो सिंगल वायरिंग लगाई गई है, डबल वायरिंग वगैरह यहां पर लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। बस ट्रायल के लिए जो तो सिंगल वायरिंग यहां पर लगा दी गई है लिमगांव और वनेगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में। आप लोग यहां पर ऊपर देख सकते हैं पोल्स के ऊपर कुछ ही समय में हमारी ट्रेन वानेगांव रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। और जिस वक्त हमारी ट्रेन वानेगांव रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी उस वक्त आप लोग यहां पर देख सकते हैं वानेगांव रेलवे स्टेशन के पास में जो तो तकरीबन वायरिंग वगैरह लगा दी गई है, लेकिन अभी तक इस वायरिंग को जो तो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया गया है वानेगांव रेलवे स्टेशन पर।
इस वक्त हमारी ट्रेन वानेगांव और हजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में चल रही है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं हजूर साहेब नांदेड़ और वानेगांव रेलवे स्टेशन के दरमियान में वायरिंग लगाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है और वायरिंग वगैरह यहां पर लगा दी गई है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है हजूर साहिब नांदेड़ से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में चलने वाली तपोवन एक्सप्रेस के साथ में, जो कि डेली रन करती है हजूर साहिब नांदेड़ से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर होने वाली है। और जिस वक्त हमारी ट्रेन हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के करीब बढ़ रही थी, उस वक्त हमने देखा कि तकरीबन यहां पर पोल्स लगा दिए गए हैं और पोल्स के ऊपर जो है तो टी पोल्स भी लगा दिए गए हैं और उसके ऊपर जो है तो हुक को भी लगा दिया गया है जिसके ऊपर वायरिंग वगैरह लगाई जाती है। लेकिन अभी तक यहां पर जो है तो वायरिंग लगाने का काम स्टार्ट नहीं किया गया है हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पूर्णा जंक्शन आउटर के पास में पीट लाइन के पास। फाइनली हमारी ट्रेन हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इंटर हो चुकी है। तो ये थी आप लोगों के लिए परभनी जंक्शन से तो हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान में इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।